नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। भारत और जापान के बीच टोक्यो में आज होगी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नीतिगत मामलों पर होगी चर्चा। यूरोपीय संघ ने रूसी गैस की कीमत को सीमित करने का दिया प्रस्ताव। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सर्दी में सभी ऊर्जा आपूर्ति की कटौती की धमकी के बाद दिया प्रस्ताव। यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कल। खेल की खबरों में एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में बनाई जगह। भारत फाइनल की दौड़ से हुआ बाहर। सुपर 4 में भारत। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना लोक स्वामित्व और अधिकारिता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कदम अमृतकाल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे पंच प्रण के अनुरूप है, जिसमें उपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाना है। इसके साथ ही वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के क्षेत्रों में जो आगंतुक है उनकी वजह से यातायात का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिससे उसकी बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ा। इसमें सार्वजनिक शौचालय, पीने का पानी, स्ट्रीट फर्नीचर और इसके साथ पर्याप्त पार्किंग स्थल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। जन आंदोलन पर न्यूनतम प्रतिबंध के साथ साथ कम से कम तोड़फोड़ करने के तरीके से गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई। वहीं वास्तु शास्त्र की अखंडता और निरंतरता बनाए रखते हुए इसका पुनर्विकास किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण उसी स्थान पर स्थापित किया जा रहा है जहां इस साल के शुरू में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। ये प्रतिमा मुख्य मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार की। 28 फीट ऊंची प्रतिमा को एक अखंड ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया और इसका वजन 65 मेट्रिक टन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा और विदेश मामलों के मंत्री योशिमासा हयाशी करेंगे। 2+2 वार्ता सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेगी और आगे का रास्ता भी तय करेगी। भारत और जापान एक विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हुए।
वहीं 2+2 वार्ता के अलावा रक्षा मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए जापानी समकक्ष के साथ अलग से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यात्रा के दौरान उनका जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मिलने का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टोक्यो में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और जापान में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में नीतिगत मामले, राष्ट्रीय सहकारिता नीति और राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पर चर्चा होगी। इसके अलावा नई प्रस्तावित योजनाओं के तहत हर पंचायत में पैक्स, कृषि आधारित और अन्य उत्पादों का निर्यात, जैविक उत्पादों का प्रोत्साहन और विपणन के साथ साथ सहकारिता के नए क्षेत्रों में विस्तार पर चर्चा होगी। इसके अलावा पैक्स और आदर्श विधि से संबंधित विषयों और प्राथमिक सहकारी समितियों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा होगी। राज्य सहकारिता मंत्रियों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिभागियों को अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और समन्वय के माध्यम से एक कार्यान्वयन योग्य नीति और योजना ढांचा तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही इसमें सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र और उनके व्यवसाय संचालन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा और देश के सभी 36 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार और प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत और अमेरिका के बीच बुधवार को नई दिल्ली में 2+2 अंतर स्तरीय बैठक हुई। भारत अमेरिका 2+2 अंतर स्तरीय बैठक में विदेश और रक्षा मंत्रालयों और अमेरिकी रक्षा और विदेश विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से अप्रैल 2022 की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के परिणामों की समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers राधिका स्कॉलरशिप अप टू 50% ऑफ कॉलेज फीस। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब वक्त हो चला है DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, DD प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले शानदार धारावाहिकों की। शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉरपोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि शादी के डर के चलते पूजा शिवपुरी जाने से इनकार कर रही है। उधर कीर्ति और उत्कर्ष को अमेरिका की एक बड़ी कंपनी से न्योता आया है। किसी को पड़ी ना है कि पूजा कहाँ गई। हमारे को तो लगता है पूजा को भगाने में इस घर के सभी सदस्यों का हाथ है। सब चाहते हैं कि ये शादी हो ही ना। मतलब ताऊ जी के अलावा उस घर में किसी की भी नहीं चलती। मुझे लगा था कि आप आज के जमाने की लड़की हैं, मेरी परिस्थिति को समझेंगी। और उस दिन जब आपने मजरे ताऊ जी को जवाब दिया ना, तो मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे कोई समझे या ना समझे, लेकिन आप मुझे जरूर समझेंगे। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि कृष्ण को बंधा पाकर मायावी राक्षस संकटासुर ने बनाया है प्रहार करने का मन। दाऊ, मामा सी का दूध फिर से आ गया। चलो दाऊ, घर पर अतिथि आया है, उसका सम्मान किया जाए। श्री कृष्ण गोविंदा।
तो आखिर कैसे अपना बचाव करेंगे कृष्णा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। यूरोपीय संघ ने रूसी गैस की कीमत को सीमित करने का प्रस्ताव रखा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गैस की कीमत को सीमित करने के ईयू के कदम के बाद यूरोप को सभी ऊर्जा आपूर्ति बंद करने की धमकी दी थी। पुतिन की धमकी के बावजूद यूरोपीय संघ ने ये कदम उठाया। इस प्रस्ताव के बाद ठंड के महीने में यूरोपीय देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन में रूस के सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर ऊर्जा की कीमतें बढ़ गईं, जिससे यूरोपीय संघ के 27 राज्यों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि हमें रूस के राजस्व में कटौती करनी चाहिए, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध के वित्त पोषण के लिए उपयोग करते हैं। यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों की आपातकालीन बैठक शुक्रवार को होनी है। नीदरलैंड लगातार गैस की कीमत तय करने का विरोध करता रहा है। हालांकि चेक गणराज्य के मंत्री ने पहले कहा था कि इसे शुक्रवार की बैठक के एजेंडे से हटा दिया जाना चाहिए। खबर अमेरिका से, जिसने मॉस्को पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन वासियों को रूस में जबरन निर्वासित किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि उसके पास एक ऐसी जानकारी है जिस कि ये सब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार की देखरेख में ही किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि मॉस्को सहित अलग अलग स्रोतों के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने 9 लाख से 16 लाख यूक्रेनी नागरिकों के बीच रूस में पूछताछ, हिरासत और उन्हें जबरन निर्वासित किया है। बात एशिया कप की, जिसमें सुपर फोर मैच की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 129 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य को 19.2 ओवर में 9 विकेट खोकर हासिल किया। इस जीत के बाद टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। और वहीं अफगानिस्तान से हार के साथ ही एशिया कप में भारत का सफर समाप्त हो गया। ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान और हांगकांग को हराने वाली भारतीय टीम सुपर फोर के लगातार 2 मुकाबले हार कर टूर्नामेंट से बाहर हुई। पहले पाकिस्तान ने 5 विकेट से भारत को हराकर ग्रुप मैच में हार का बदला चुकता किया। उसके बाद श्रीलंका ने 6 विकेट की जीत के साथ टीम इंडिया को बाहर का रास्ता दिखाया। आज सुपर 4 के आखिरी मुकाबले की अगर बात करें तो एशिया से बाहर हो चुकी भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। और इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।